हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज गुरुवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। खोर्धा जिल्ला रु 312 जणक समेत राज्य रु गतकाली सुस्थ हेले 2015 कोरोना आक्रांत। खोर्धा जिल्ला रु 312 जणक समेत राज्य रे गतकाली 2015 जण कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछंती। एति सहित राज्य रे कोरोना रु सुस्थ होइतिबा आक्रांतक संख्या 270,130 कु वृद्धि पाइछि। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु ट्वीट जरिए एही सूचना दिया जायछि। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार अनुगुल जिल्लारु गतकाली 218 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछंती। सेहिपरि कटकरु 135, बालेश्वर 88, जगतसिंहपुर 85, मयूरभंज 83, जाजपुर 81, केन्दुझर 75, पुरी 69, केन्द्रापड़ा 65, बलांगीर 64, भद्रक 63, नुआपड़ा 63, नवरंगपुर 60, ढेंकानाल 56, सुवर्णपुर 47, कलाहांडी 44, झारसुगुड़ा 42, नयागढ़ 37, संबलपुर 36, कंधमाल 34, सुंदरगढ़ 26, कोरापुट 25, गंजाम 24, मालकानगिरि 23, बौद्ध 21, देवगढ़ गजपति 9, रायगढ़ 6 और राज्यपुल 70 जन आक्रांत सुस्थ होइछंती। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस तरफ आसी एक जबरदस्त ऑफर। एही कंपनी रो जीवन बीमा किणंतु आउ बड़ बड़ एलईडी टीवी पूरा फ्री रे पांतु। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एहा एको भारत सरकारी प्राप्त कंपनी। एही कंपनी रे आपण माने 30,000, 60,000 एवं 90,000 टंकार पॉलिसी किणी पारिबे। जदि आपण माने 30,000 टंकार पॉलिसी किणंती ताहेले सोनी 24-inch एलईडी टीवी फ्री रे नै पारिबे। जदि 60,000 टंकार पॉलिसी किणंती ताहेले सोनी 32-inch एलईडी टीवी पाई पारिबे। आउ गोटे हेला सबुठ बड़ ऑफर, जदि 90,000 टंकार पॉलिसी किणंती ताहेले सोनी 32-inch एंड्रॉइड टीवी पाई पारिबे। तेनो लेट काही कि एबे ही फोन लगांतु किंबा भुवनेश्वर ऑफिस आसी जोगाजोग करंतु एवं पॉलिसी करी समस्ते गोटे एलईडी टीवी नियंतु। परवर्ती हेला कोरोना आक्रांत हेले केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी। कोरोना आक्रांत हेले केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी बिहार विधानसभा निर्वाचन पई प्रचार शेष करबा परे निजर कोरोना परीक्षा कराइथिले केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी। एबे तांकर रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि। एने से ट्वीट करि जणाइबा सह तांकर संस्पर्शरे आसीथिबा लोकंकु कोरोना परीक्षा कराइ नेबाकु निवेदन करिछन्ति। केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी ट्वीट करिछन्ति जे एहा बेळेबेळे घटे, जेतेबेळे किछि घोषणा करबा समय मते शब्द खोजिबाकु पड़े, तेणु मु एहाकु साधारण रखुछि। मु कोरोना संक्रमित होइछि, मोर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि। परवर्ती हेला भुवनेश्वर अधिक कोरोना टेस्ट करिवार आवश्यकता रहिछि। राजधानी भुवनेश्वर कोरोना संक्रमण दिनकु दिन ह्रास पाइबारे लागिछि। विगत 10 दिन हेला कोरोना संक्रमण ह्रास पाइछि। भुवनेश्वर महानगर निगम कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी गतकाली सांबादिक सम्मेलनी रे एहा कहि एबे होम आइसोलेशन रे 75% आक्रांत अछन्ते। हॉस्पिटल गुडीकरे एबे बेड खाली रहिछि, किंतु भुवनेश्वर अधिक टेस्ट करिवार आवश्यकता रहिछि। जिए चाहिबे आसी परीक्षा करि परिबे बोली श्री चौधरी कहिछन्ते। परवर्ती हेला आरोग्य सेतुर निर्माता विषय मंत्रालय पाखे सूचना ना सरकार को कारण दर्शाओ नोटिस जारी कला सूचना कमिशन। कोरोना भाईरस विपक्ष में लड़े लगी सरकार प्रसारित कांटेक्ट ट्रेसिंग आप आरोग्य सेतुर निर्माता विषय संप्रक्त मंत्रालय पाखे सूचना नेन्द्र सूचना कमिशन सरकार को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करेसनाल इनफर्मेटिक्स सेन्टर एवं इनफर्मेसन टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री एहाकु विकसित करिछंती बोली आरोग्य सेतु वेबसाइट रे उल्लेख अछि। किंतु सूचना अधिकार रे आसीथिबा एक अनुसंधान रो उत्तर रे ए कथा को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अस्वीकार करिछंती। आरोग्य सेतु आप रो निर्माता किए एही प्रश्न रो उत्तर को सरकार एड़ाई देथिबारु केन्द्र सूचना कमिशन सरकार को नोटिस जारी करिछंती। परवर्ती हेला तिर्तोल रो विकास ने विष्णु बाबू मते बहुबार भेटु
तीर्तोल रे उपनिर्वाचन पाई मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पटनायक गतकाली वर्चुअल माध्यम रे प्रचार करिसंती। अवसर रे नवीन कहिसंती तीर्तोल रे विकास नै विष्णु बाबू मते बहु बार भेटुतिले। गत वर्ष विष्णु बाबू को आपण माने बहुत भोट रे विजयी करेथिले। से तीर्तोल पई भल काम करथिले। तीर्तोलवासी बिजु परिवार सह बिजु जनता दल सहित रही आसिछंती। विभिन्न निर्वाचन रे आम सरकार को समर्थन देइछंती। निकट रे तीर्तोल अंचल रे जोगाजोग पाई महानदी उपरे दुईटी ब्रिज रो काम आरंभ होईछि। एही अंचल रे शिक्षा और स्वास्थ्य पाई सरकार काम करिछंती। तीर्तोल अंचल रे मिशन शक्ति रो मां माने बहुत भल काम करिछंती। से माने विकासमूलक काम करिछंती। आपण माने भल काम करंतु, मु आपणक सहित अछि। विकास को आगे नेबा लागि आसंतु। शंख चिन्ह रे भोट दियंतु। कोविड 19 को आखि आगरे रखी काम करंतु। परवर्ती हेला कोविड 19 संकट जोगु नवंबर 30 पर्यंत वृद्धि पाइला आंतर्जातिक विमान चलाचल निषेधादेश। कोरोना भाइरस महामारी जनित संकट कारणरु निर्धारित आंतर्जातिक यात्रीबाही विमान उड़ाण उपरे जारी होइथिबा निषेधादेश नवंबर 30 पर्यंत वृद्धि करा जाइथिबा कथा बुधवार दिन बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशक कहिछन्ती। एही निषेधादेश आंतर्जातिक मालबाही विमान एवं स्वतंत्र भाबे अनुमोदित विमान चलाचल प्रति लागू हेबो नाही बोली मध्य डीजीसीए कहिछंती। किंतु विशेष परिस्थिति आधार रे उपयुक्त कर्तृपक्षक द्वारा निर्वाचित पथरे निर्धारित आंतर्जातिक यात्रीबाही विमान उड़ाण निमन्ते अनुमति मिली पारे बोली एक सर्कुलर इंडियन एविएशन रेगुलेटर कहिछंती। परवर्ती हला सानिटाइजर देबो मापिबो शरीरर तापमात्रा। एभली कांटेक्टलेस स्मार्ट कोविड मेसिन तयारी करी चर्चा रे ओडिया युवक संजीव राउत। कोरोना महामारी एवं सारा देश को आतंकित करिबा सह कबलित करी रखिछि। एहाकु हराइबा पई कोनोसी टीका ए पर्यंत बजार को आसी नथिबा बेले एकमात्र उपाय रूपे लोकमानंकु मास्क पिंधि सचेतन रहिबा पई कहउछन्ति सरकार। एभली स्थिति रे ओडिसा रे लायन्स मिल प्राइवेट लिमिटेड रो निर्देशक संजीव राउत ओ तांको सहयोगी सार्थक दास एवं चिरंजीत पटनायक कांटेक्टलेस स्मार्ट कोविड सेफ्टी कियोस्क मेसिन तयारी करी चर्चा को आसिछंती। ओडिसा रे प्रथम करी एही मेसिन भुवनेश्वर प्रतिष्ठित व्यवसाय केन्द्र रे लगा जायछि। परवर्ती हेला नवंबर 1 रु मार्च 31 तारीख जाय हेबो 2020-21 खरीफ धान संग्रह। सरकारी मंडी रे धान बिक्री पई पंजीकरण करिछंती 2.5 लाख चासी। जोगाण मंत्री को अध्यक्षता रे बैठक रे निष्पत्ति। नवंबर 1 रु मार्च 31 तारीख जाय हेबो खरीफ धान संग्रह। 2020-21 खरीफ धान संग्रह को नै गतकाली जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई को अध्यक्षता रे बसीथिबा बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि। एही बैठक रे सबु जिल्ला रो जिल्लापाल माने उपस्थित थिले। सरकारी मंडी रे धान बिक्री पई 2.5 लाख चासी नाम पंजीकरण करिछंती। 2020-21 रे खरीफ और रबी ऋतु रे 71 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करबा लक्ष्य धार्य करिछंती सरकार। परवर्ती हेला पुणी फेरिबो कि कोरोना रो द्वितीय संक्रमण। शीत दिन पई सतर्क रहिबाकु विशेषज्ञ देले परामर्श। डाक्टर नीरज मिश्र कहिले सतर्क न रहिले यूरोप भली बढ़ी पारे अड़ुआ। सेपटे बीएमसी कमिश्नर कहिले 10 दिन धरी कमुची भुवनेश्वर संक्रमितक संख्या। यूरोपीय देशगुड़िक पुणि बढ़िबारे लगी कोरोना संक्रमण। गत किछि दिन मध्यरे एहा 10% रु संक्रमण हार अधिक होईछि। आगकु शीत ऋतु आसुथिबारु एहा चिंतार विषय बोली विशेषज्ञ कहिछन्ति। सेहिपरि आगकु शीत ऋतु आसुथिबारु राज्यरे मध्य पुणि थरे कोरोना संक्रमण बढ़िबार आशंका करिछन्ति वरिष्ठ चिकित्सक। शीत दिने द्वितीय पर्याय कोरोना संक्रमण पूर्वानुमान करा जाउछि। सेकेंड वेव पई सतर्कता जरूरी। वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ डाक्टर नीरज मिश्र एभली प्रतिक्रिया देइछन्ति। गंजाम रे सेकेंड वेव आसिबा अधिक संभावना रहिछि कारण सेठारे संक्रमण पिक परे ह्रास पाइथिला। जदि सेठारे संक्रमण बढ़े ताको सेकेंड वेव कहि परिबा। भुवनेश्वर मध्य कोरोना संक्रमण ह्रास पाई। जदि भुवनेश्वर कोरोना संक्रमण बढ़े ताको सेकेंड वेव कहि परिबा। ओडिसा रे सेकेंड वेव आसिनी जदि आसे तेबे बहु असुविधा हेबो। संख्या बढ़िले स्वास्थ्य सेवा और भित्तिभूमि उपरे चाप पड़िबो। आमको जत्नवान हेबाकु पड़िबो। गाइडलाइन मानिबाकु हेबो। आमे सतर्कता रहिबे सेकेंड वेव को एड़ाई देई परिबा। परवर्ती हेला डिसेंबर 31 पूर्वरु
बसिब विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। विधानसभा विधि अनुसार 60 दिन गृह कार्य चलिबो। तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन सर्वमोट 20 दिन गृह चलिबो। वर्ष शेष आगरु बसिब विधानसभा शीत अधिवेशन। डिसेंबर 31 तारीख आगरु बसिब विधानसभा शीत अधिवेशन। एने सूचना देइछंती बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र। विधानसभा विधि अनुसार वार्षिक 60 दिन अधिवेशन बसिबा कथा, तेबे तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन मोट 20 दिन गृह चली, अर्थात डिसेंबर आगरु आउ 40 दिन विधानसभा गृह चलिबा बाकी रही। तेबे विधानसभा शीत अधिवेशन केबे बसिब ओ कौन रहिबो रूपरेख से नै राज्यपाल निष्पत्ति को अपेक्षा करा जाय छि। राज्यपाल निष्पत्ति परे 40 दिन विधानसभा कैलेंडर प्रस्तुत करा जिबो बोली कहिछंती बाचस्पति। परवर्ती हला दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति को निलंबित कले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति जोगेश त्यागी को निलंबित करिछंती। दिल्ली विश्वविद्यालय जोगेश देइथिबा नियुक्ति को नै तीव्र विवाद सृष्टि होइथिला। एही कारणरु राष्ट्रपति कोविंद तांकु निलंबित करिथिबा केन्द्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि जे गत सप्ताह रे जोगेश त्यागी दिल्ली विश्वविद्यालय रे देइथिबा नियुक्ति को नै विवाद देखा जायछि। कर्तव्य रे अवहेला ओ खराब आचरण पई तांकु मंगलवार राष्ट्रपति निलंबित करिछंती। एथिसह तांको विरोध रे तदंत करिबाकु मध्य अनुमति देइछंती। परवर्ती हला काहाकु जंगल राजर युवराज कहि टार्गेट कले मोदी। बिहार विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय भोटिंग पूर्वरु प्रचार जोरदार होईछि। गतकाली बिहार एक निर्वाचनी रैली रे उद्बोधन देइ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरजेडी उपरे जोरदार बर्षिछंती। विशेष करि बिहार विधानसभा निर्वाचन रे आरजेडी रो मंग संभालिथिबा लालू प्रसाद यादव को सान पुओ तेजस्वी यादव को मोदी सीधासळख टार्गेट करिछंती। से तेजस्वी को जंगल राज रो युवराज बोली कहि ताच्छल्य करिछंती। एथिसह एभळी जंगल राज रो युवराज को प्रति सतर्क रहिबाकु से लोकंकु परामर्श देइछंती। परवर्ती हला मंदिर खोलिबा दाबी रे घंट बजाई प्रतिवाद। मंदिर खोलिबा दाबी रे बालेश्वर नीलगिरी रे मध्य सेवायत माने घंट घंटा पिटी नियारा ढंग रे प्रतिवाद करिछंती। अनलॉक गाइडलाइन रे सरकार सबु किछि खोली सारिथिबा बेले मंदिर कण पई खोलु नाही बोली सेवायत माने प्रश्न उठाइछंती। नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर सम्मुख रे सेवायत माने घंट बजाई प्रतिवाद करिछंती। एही प्रतिवाद रे मंदिर निकट रे थिबा दीप ओ भोग दोकानी क सह किछि भक्त शामिल होइथिबा देखिबा को मिलिथिला। बारीपदार मध्य मंदिर खोलिबा नै घंट घंटा भाजिछि। परवर्ती हला अक्षय को लक्ष्मी बोम को मिलिला लीगल नोटिस। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी बोम ट्रेलर रिलीज हेबा परठारु विवाद घेर रहिछि। अनेक लोक फिल्म को बॉयकॉट करबा को दाबी करथुबा बेले सोशल मीडिया रे एनै बॉयकॉट लक्ष्मी बोम हैशटैग मध्य ट्रेंड करूछि। प्रकृत रे फिल्म रो टाइटल को नै अनेक आपत्ति उठाइथिबा बेले एहा लव जिहाद बळी अपराध को प्रोत्साहित करथुबा अभिजोग मध्य उठिछि। एनै फिल्म निर्माता को श्री राजपूत करणी सेना पक्षरु एबे लीगल नोटिस करा जायछि। नोटिस रे कुहा जायछि जे फिल्म रो नाम लक्ष्मी बम रखा जायथिबारु एहा हिंदू धर्मावलंबी को आघात देइछि। एहा देवी लक्ष्मी को प्रति अपमानजनक शब्द। जानी सुनी देवी लक्ष्मी को अपमान देबाकु एभली टाइटल रखा जायछि बोली अभिजोग करा जायछि। श्री राजपूत करणी सेना पक्षरु आईनजीवी राघवेन्द्र मेहरात्रो फिल्म निर्माता को एही नोटिस करिछंती। परवर्ती हला श्री जगन्नाथ मंदिर को इंडियन मुजाहिदीन लश्कर ई तोयबा आतंकवादी को आक्रमण भय। पूरी श्री मंदिर को इंडियन मुजाहिदीन ओ लश्कर ई तोयबा भली आतंकवादी संगठन टार्गेट रे रहिछि। एहा को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार श्री मंदिर सुरक्षा बलय उन्नतीकरण प्रकल्प को हात को नैथिबा जणा पडिछि। श्री जगन्नाथ मंदिर चतुर्पार्श्वरे निरापत्ता बलय प्रकल्प निमन्ते करा जाउथिबा जमी अधिग्रहण रे सामाजिक प्रभाव निर्धारण अनुध्यान रिपोर्ट अंतर्गत सुरक्षागत गुरुत्व ओ तात्पर्य रे एहा उल्लेख करा जायछि।